नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको पहले ही कह दें कि पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें जो खबरें हैं वाकई में एक से बढ़िया एक खबरें लगी हुई हैं। तो प्लीज पूरा देखना, लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल से ना जुड़े हों वो जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को अपनी आल पर दबा लें ताकि हर जानकारी उन तक हमेशा पहुंचती रहे। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी आशाबहन, सब लोग ध्यान दीजिएगा, 26 से 31 जुलाई तक, आज कितनी तारीख है 26, तो आज से स्टार्ट हो गया ये वाला सप्ताह, तो 26 जुलाई से 31 जुलाई यानी पूरे इस सप्ताह में आंगनबाड़ी बहनों को क्या करना है। तो यहां पर इस सप्ताह हर आंगनबाड़ी बहन उन गर्भवती महिलाओं के यहां गृह भ्रमण करने के लिए जाएंगी जिनकी प्रसव की तिथि नजदीक आ गई है, और उनके माताओं को यानी उन गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान कराने के बारे में सलाह देंगी। संभव अभियान चल रहे हैं जिसके तहत ही ये चीजें आती रहती हैं, हर सप्ताह कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एक और यहां पर ध्यान देना, एक और थीम आई है जिसमें 26 से 31 जुलाई यानी आज से पूरा सप्ताह भर यहां पर इन चीजों का भी ध्यान देना है। जो चिन्हित आपके वहां सैम मैम व गंभीर अल्प वजन वाले बच्चे हैं उनके घर का भ्रमण करना है, साथ ही उनके खान पान व स्वास्थ्य स्तर की जानकारी पहले लेनी है, उनके जो वो बताएं समस्या लाभार्थी उनको सुनना है, फिर उसको समझना है और फिर उनकी समस्या पर उनको सलाह भी देनी है, उनके खान पान स्वास्थ्य वाली जानकारियों पर। फिर उनमें बताया जा रहा है कि उनमें बीमारियों के अगर लक्षण दिखते हैं तो उनको तुरंत स्वास्थ्य जांच के लिए भी जो है भेजने की भी सलाह देनी है, ऐसा जो है यहां पर जानकारी भरा जो है। ये दो थीम आई है जिसे हमारे पास भेजा था कल्याणी देवी बहन है जो कि बलरामपुर जिले से है। अब दोस्तों चलते हैं अगली खबर पर आते हैं। उत्तर प्रदेश से भी आपने मामला देखा, अब आप जो देख रहे हो तस्वीर ये हमारी बहन है बिहार राज्य की। यहां पर हमारी आंगनबाड़ी बहन सत्तू वाले जो लड्डू है वो बना रही है, तो आप देखिएगा सत्तू वाले लड्डू आंगनबाड़ी बहन बना रही है, और यहां पर इन्होंने अभी शायद अपना नाम ऑल इंडिया को नहीं बताया है, तो नाम जरूर बताना ताकि चैनल पर दिखाया जाए। तो ये आप देखिएगा यहां पर वो लड्डू उन्होंने बना करके रखे भी हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा है यहां पर नजमा खातून भवन है मौलाना नगर से। तो बहन का नाम तो नजमा खातून है, मौलाना नगर से है, नंबर इसलिए सेव नहीं है क्योंकि ऑल इंडिया जो आप लोगों से सवाल करता है वो बस इतना होता है कि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल को जब भी कोई पहली बार मैसेज करता है तो उसको उसके घर में अगर कोई आंगनबाड़ी है, सहायिका है, मिनी है, आशा है, जो भी है, उन बहन का नाम बताना पड़ता है और उनके जिले का भी नाम बताना पड़ता है। तो नाम और जिला बताना जरूरी है, बहन ने जिले का नाम नहीं बताया जिस वजह से नंबर सेव नहीं है, इसके लिए आप मैसेज कर देना ताकि आपका नंबर सेव हो जाए, अगली बार 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 पूछना भी नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं बिहार राज्य में, यहां पर रेखा बहन है, रेखा कुमारी बहन बेगूसराय जिले से है बिहार के, और इनका नंबर देखो सेव भी है। पोषण युक्त लड्डू का वितरण इन्होंने भी अपने वहां पर बच्चों को किया हुआ है 26 तारीख को आज ही। तो जिले में उनका कहना बेगूसराय जिले में बलिया परियोजना है, वहां से रेखा बहन आती है। तो बिहार में आपको पता है पौष्टिक जो लड्डू है सत्तू वाले वो सब बांटे जाते हैं, उनके संबंध में आदेश पूर्व में निर्गत थे, उन सब चीजों को ऑल इंडिया ने समय समय पर आप सबको दिखाया भी है। अब दोस्तों आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से भी देखा, बिहार से भी देखा, अब आप देखने जा रहे हो झारखंड से हमारी आंगनबाड़ी बहन है। आप लोगों को बता दूं इनके वहां पर ये चूल्हा और सिलेंडर उनको दिया गया है, तो आप लोगों को बता दें कि गैस सिलेंडर वगैरह उन बहन को दिए गए हैं, जिस संबंध में बहन ने लिखा है कि झारखंड से जिला धनबाद प्रखंड है गोविंदपुर वगैरह में 25 जुलाई को गैस सिलेंडर दिया गया है। बहन ने यह मैसेज किया है और इन बहन का भी नंबर सेव नहीं है क्योंकि इन बहन ने अपने वहां से अपना नाम नहीं बताया है। तो बहन जल्दी से कमेंट करके यानी व्हाट्सएप कर देना अपना नाम वाम वगैरह। अब चलते हैं अगली खबर पर आते हैं। अभी आप लोगों ने तीन राज्यों से सूचनाओं को देखा, अब आप देखने जा रहे हो उत्तर प्रदेश शासन से जारी एक बहुत ही जानकारी भरा सरकारी आदेश। 23 जुलाई को मुख्य सचिव कार्यालय से जारी यह आदेश आप देख रहे हो।
समस्त अपर मुख्य सचिव को और प्रमुख सचिव को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि विभिन्न विभागों में कई शासकीय जो भवन है यानी सरकारी जो भवन बने होते हैं वो अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यानी खराब अवस्था में है, गिरने लायक हो गई है उनकी सिचुएशन। तो उसमें लिखा है कि वह निष्प्रयोज्य हो चुके हैं, ऐसे भवन सुरक्षा के लिए खतरा तो है ही, साथ में जन सामान्य में जो है शासन की छवि भी धूमिल करते हैं। ऐसे भवनों का अति शीघ्र नियमानुसार ध्वस्तीकरण करने की आवश्यकता है, यानी उनको तोड़ दिया जाए जो भवन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, ताकि भविष्य में कोई ऐसी जन सामान्य के साथ में कोई घटना ना हो जिससे शासन की जो छवि भी धूमिल हो और साथ ही सुरक्षा को लेकर के भी खतरा हो। तो इन्होंने लिखा कि अतः आपसे अपेक्षा है कि 5 अगस्त 2021 तक, कब तक, 5 अगस्त 2021 तक ऐसे समस्त भवनों की जिलेवार सूची तैयार करके प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, तथा एक प्रति मुख्य सचिव कार्यालय को भी प्रेषित की जाए। उक्त भवनों के चिन्हीकरण के उपरांत उनके नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अगले 1 माह में कराने का कष्ट भी करें। तो यहां पर राजेंद्र कुमार तिवारी जी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने कहा है वो चाहते हैं कि जो भी शासकीय भवन है जो खराब अवस्था में है, टूटने गिरने ध्वस्त होने के कगार पर है, तो उनको पहले ही ध्वस्त करवा दिया जाए, इसलिए ताकि कोई भविष्य में अप्रिय घटना ना हो, तो सुरक्षा का भी यहां पर ध्यान रहेगा। तो 5 अगस्त तक ऐसे भवनों की जिलेवार सूची मांगी गई है, उत्तर प्रदेश में हर जिले से सूची जाएगी और उसको जल्द से जल्द जो है, यहां पर उनका कहना है कि चिन्हीकरण होने के बाद उनका जो है जल्द से जल्द उनको गिरवा भी दिया जाए, ध्वस्तीकरण 1 माह के अंतर्गत करवा दिया जाए। तो बहुत ही बढ़िया ये सरकारी आदेश जारी हुआ, आप लोगों को ये कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अब दोस्तों आपको दिखाने जा रहे हैं अगला जो सरकारी आदेश है वो बिहार सरकार से आ रहा है, 26 जुलाई को आज ही बिहार सरकार में ये आदेश निदेशालय से जारी हुआ। हमारे पास सबसे पहले भेजा था रविराज भाई ने, सहायक निदेशक के द्वारा जारी सरकारी आदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को भेजा गया और आंगनबाड़ी सेविका जो बहाली हुई है उनमें अनियमितता करने के संबंध में आदेश जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि अंगूरी खातून, पति उनके मुनिफ, ग्राम पंचायत वगैरह बरवा कला पोस्ट वगैरह झंझरा, यहां के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार में परिवाद पत्र दिया गया, जिसमें उल्लेख है कि पंचायत बरवा कला के वार्ड संख्या 10 पर सेविका पद पर आवेदन दी थी जो महिला पर्यवेक्षिका तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के मिलीभगत से कम अंक प्राप्त श्रीमती गुंजा कुमारी का चयन फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि प्राप्त परिवाद का बिंदुवार जांच कर लो, अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए 3 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन भी भेजना सुनिश्चित किया जाए। सहायक निदेशक ने यह आदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो आपके पूर्वी चंपारण के उनको भेजा गया है। यहां पर भर्ती में यानी अभी सेविका बहाली हुई है उनमें अनियमितता करने का जो है मामला सामने आया है, निदेशालय से इस पर जांच के लिए बोल दिया गया, जैसे ही कोई और आदेश आएगा बताया जाएगा। अब दोस्तों आगे आपको बता दें, बिहार में संगीता मंडल बहन है मधुबनी जिले से, जिन्होंने आपको बता दें ये सर्टिफिकेट कोर्स वाला है एडमिशन फॉर्म, प्री प्राइमरी के लिए एडमिशन वाला है सर्टिफिकेट, वही प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये बिहार में चलता है। इसमें मैंने देखो सुबह सब कुछ बता दिया था, कौन कौन से कॉलम है, कैसे कैसे भरना है, हमारी इन बहन ने संगीता मंडल बहन ने 14/4/2021 को ये भर भी दिया था। तो ये चीजें पहले से चल रही हैं, आपको याद होगा बीबीओएससी की वेबसाइट पर आवेदन जो है हो रहे थे, बहुत पहले ही हो रहे थे, मैंने कहा था जो बहनें पढ़ना चाहें वो पढ़ सकती हैं, बिहार सरकार उनके लिए कोर्स लाई है, चार जो है चौथे महीने में इन चीजों को बहन ने किया था। अब आप सोचिएगा यहां पर ये चीजें पहले भी चैनल पर बताई जा चुकी हैं, काफी दिनों के बाद मैटर आया तो मैंने फिर आपको एक बार बता दिया था। अब चलते हैं खबरों की तरफ और आते हैं, यहां पर शीला गौतम बहन है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से, इनके वहां पर ट्रेनिंग चल रही है, प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग है, सदर देवरिया पड़ता है, वीडियो बहन ने भेजे हैं शीला गौतम बहन ने। तो आपको बता दें इन वीडियो को जल्द ही हम कल ऑल इंडिया चैनल पर लेकर के
जो है प्री प्राइमरी ट्रेनिंग के आने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद आप लोगों को प्री प्राइमरी ट्रेनिंग के इस टाइम पर वीडियो देखने को मिलेंगे। उमेश चंद मौर्य भाई जी ने भी देवरिया जिले से ये एक मैटर भेजा। यहां पर उनका कहना है कि देवरिया जिले के बैतालपुर जो ब्लॉक है वहां पर भी ट्रेनिंग चल रहा है। मुख्य सेविका श्रीमती रम्या तिवारी जी है व सुशीला मौर्य, इनकी देखरेख में चल रहा है। तो ये वीडियो भी कल ऑल इंडिया चैनल पर आ जाएगा दोस्तों, उम्मीद बनाए रखना। साथ ही साथ आपको बता दें कुछ जिले हैं, गोरखपुर से बहन ने कहा था सुधांशु भाई हमारे यहाँ प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग नहीं हुई है, कब तक होगी। तो ऐसे और भी कई जिले हैं, कई जगह बहनों की ट्रेनिंग की अभी अधूरी पड़ी है, वहां पर भी ट्रेनिंग जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी, बस सब्र बना करके रखिएगा। अब चलते हैं आगे, आते हैं आपको बता दें आज मैंने एक खबर दिखाई थी जिसमें दाल सड़ी हुई बहन को भेजी गई थी। अब आपको बता दें उस मैटर के अलावा दोपहर में एक और मैटर आया जहां पर इन बहन को भी इसी तरीके की सड़ी हुई दाल उपलब्ध करवाई गई है। देखते हैं कहां से बहन है, मंजू रानी बहन है हाथरस जिले से, उन्होंने भी भेजी है ये दाल जो उनके वहां पर घटिया क्वालिटी की सड़ी हुई दाल भेजी गई है, कीड़े और मक्खियां इसमें निकल रहे हैं। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे, उन्होंने लिखा भी है आंगनबाड़ी केंद्र खोड़ा रती हाथरस थे हैं मंजू रानी सहायका सर जी, दाल चढ़ी हुई लिखा दिया है उन्होंने, उनका कहना है सड़ी हुई वो निकली है बोरे के अंदर से। तो ये देखिएगा मैटर सामने आया है, इसीलिए ऑल इंडिया ने स्पेशल वीडियो आज दिया था कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो लापरवाहियां बरती जा रही जिनके कारण दालें सड़ जाती हैं, कहीं समूह वाले रखे रहते हैं महीनों महीने, तो समूह वाले की तो गलती है ही, लेकिन उनसे भी बड़ी गलती हमारे बाल विकास विभाग के उन वहां के परियोजना कार्यालय वालों की है। क्योंकि वो ये सुनिश्चित क्यों नहीं करते अगर समूह को चीजें रिसीव करवा दी गई है तो भाई उनका वितरण उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया। तो कड़े आदेश अगर हमारे विभाग के लोग जारी करें तो समूह वाले समय पर वितरण भी करना शुरू कर दें, लेकिन पता नहीं एक दूसरे का लोग मुंह ताकते रह जाते हैं और यहां पर जो राशन वितरण है वो समय से नहीं हो पाता है और फिर लाभार्थी भी लाभ से वंचित होता है, साथ ही कुपोषण को बढ़ावा मिलता है। सरकारें जो भी रोना धोना होती है वो सब आंगनबाड़ी के मत्थे फोड़ती है, उनका कहना होता है कि कुपोषण नहीं मिटा पा रही है, जबकि वो करें तो क्या करें। अब बाकी तो आप लोग समझदार हो, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अगली खबर पर आते हैं, एक और ये बहन है सुंदरी बहन है जो कि है बुलंदशहर से, इन्होंने मैटर भेजा। इनका कहना है कि इनके वहां के जो एक ग्राम प्रधान महोदय जी हैं जब भी राशन वितरण होता है तो ये रजिस्टर चेक करने आ जाते हैं। तो भैया ये मेन समस्या नहीं है बहन, ये समस्या नहीं है, ये उनका अधिकार है, वो करना चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बहन ने जो कहा है वो जानकारी आप लोगों के काम की है। बहन ने कहा सुधांशु भैया इसे शाम के वीडियो में दिखाना, ये है आंगनबाड़ी जो है यहां जिला बुलंदशहर से और इन्होंने यहां पर कहा है सुंदरी बहन है ग्राम प्रधान मुझे राशन वितरण नहीं करने दे रहे हैं, कभी कहते हैं कि मुझे बच्चे दिखाओ कभी रजिस्टर दिखाओ, जब भी राशन वितरण करती हूं तो मुझसे रजिस्टर देखते हैं, रजिस्टर देखना समस्या नहीं है। आगे उन्होंने लिखा है भाई कुछ जानते हैं नहीं, ना ही पढ़ना आता है, कहते हैं कि छोटे बड़े बच्चों को डबल क्यों लिख रखा है। अब भैया जो लाभार्थी है उनको वैसे तो मिलेगा, छोटे बच्चे उनको ज्यादा है, जो 3 से 6 वर्ष वाले पढ़ने वाले बड़े बच्चे हैं उनको कम है, ये शासन से आदेश है भाई, उनको भी देखिए और उनको भी ऑल इंडिया साइड चैनल देखना चाहिए ताकि उनको भी पता चले ऊपर से क्या प्रावधानित है। तो उनको कुछ पता वता है नहीं इस मामले में और वो ऐसे ऊट पटांग सवाल बहन से करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे बताओ मैं क्या करूं, और जो है वहां पर उन्होंने कहा भाई झूठ बोलकर घर पर उन्होंने बुला लिया, फिर कहते हैं कि मुझे आधा राशन चाहिए वरना तुम्हारा बस्ता जमा करा दूंगा। तो सबसे बड़ी समस्या बस इनकी यही है, शोषण जो है वो करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा मामला है जो कि बहन ने कहा है, ऑल इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि ऑल इंडिया ने कोई जांच नहीं की है, ना ही कोई साक्ष्य है, उन्होंने कहते हुए के साक्ष्य नहीं, अगर उन्होंने कहा है वीडियो होता वो बोलते उसमें तो ऑल इंडिया 100% कहता कि हां इसकी पुष्टि होती है। लेकिन इस मामले में अगर आप चाहे अगर वो कहते हैं आपके पास सबूत है तो कार्रवाई के लिए आगे आप बढ़ सकती हैं, चाहो तो आप कार्रवाई के लिए डीएम कार्यालय ही जाना, विभाग के पास अपने जाओगी तो वो मामले को ऐसे रफा दफा कर देते ताकि मैटर ऊपर ना बढ़े और उनकी छवि धूमिल ना हो। बाकी देखिएगा उषा पांडे बहन है सिद्धार्थनगर जिले से, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजा है, राशन वितरण हो रहा है। उनके अलावा आपको बता दें यहां पर प्रतिभा सिंह बहन है गोरखपुर से, निर्वाचक नामावलियों वाले में उन्होंने शपथ वपथ दिलाई है जिसमें बहन को हमारी सम्मानित भी किया गया है। तो आप देखिएगा मैंने कहा निर्वाचक नामावली वाले जो काम है उनमें अभी जो 25 तारीख को बहनों को सबको सम्मानित किया गया, यहां पर बहन को पुष्प भी दिए गए हैं और बहन ने शपथ वगैरह भी देखो वहां पर सबको पढ़ के दिलाई है। अब दोस्तों चलते हैं आगे, आपको बता दें कि ये बहन है संतोष सिंह बहन अयोध्या जिले से, राशन वितरण उन्होंने किया है। इनके अलावा एक ये बहन है मीनू मिश्रा बहन गोंडा से, उनके वहां पर प्री प्राइमरी के नाम पर यह किट उनको थमाई गई है। इनके अलावा एक बहन है सुनीता सिंह बहन जो की है आगरा जिले से, उन्होंने भी अपने वहां से
से ये मुझे एक तस्वीर भेजी है। अब आगे चलते और भी आपको बताते हैं, ज्योत्सना गुप्ता बहन है औरैया जिले से, जिन्होंने अपने वहां से एक ये फोटो भेजा और इनके साथ में और भी फोटो आई थी, अलग कोई बहन है उनके केंद्र की भी थी। देखो जो भी बहन है वो अपने अपने केंद्र की फोटो भेजे, अन्य बहन के केंद्रों की ना भेजे। क्यों? क्योंकि पता नहीं कुछ दिखा देते हैं, बाद में कुछ बहनें कहती है कि भैया उसको डिलीट करो, हमें वो नहीं दिखाना है, तो फिर हो जाती है दिक्कत। लेकिन अगर कोई अपने ही फोन से खुद व्हाट्सएप से भेजेगा तो डिलीट करने वाला जैसा कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर भेजना ही नहीं है यानी भेजा है तो फिर डिलीट नहीं किया जाएगा, और अगर जो यहां पर बाद में कोई कहता तो फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि कोई अपनी जिम्मेदारी भी तो ले जो भेजना चाहता हो अपने केंद्र की, बेवजह उनकी परमिशन के कोई दिखा भी नहीं सकता। और इसीलिए ऑल इंडिया साफ सुथरा काम करता है, और मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि जिसको भी जो भेजना हो वो पहले यह भी सुनिश्चित कर ले कि दिखाने के बाद में फिर आप यह मत समझना कि उसको डिलीट करो, उसको हटाओ, हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे ऊपर ये है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी लोग जो भी भेजे वो पहले सुनिश्चित कर ले कि वो जो कह रहे हैं, जो भेज रहे हैं, दिखाने के बाद उनको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कल सुबह आप लोगों के लिए एक बजट वाला वीडियो